नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और ये जो व्लॉग है इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने इस साल जन्माष्टमी मनाई। जन्माष्टमी एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर साल मुझे मनाना बहुत पसंद है, और जन्माष्टमी में बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक तरह से श्री कृष्ण के पैदाइश का त्यौहार है, तो उसमें बच्चे भी श्री कृष्ण बन के, कोई राधा बन के रेडी होते हैं। तो मैं इस फेस्टिवल के लिए पास में हमारे यहाँ पे एक सेटअप लगा था बहुत अच्छा सा, उसमें गई थी जिसमें कीर्तन करने वाले आए थे, भजन करने वाले आए थे, और जो म्यूज़िक होता है ना इस टाइप का मुझे बहुत अच्छा लगता है, डिवोशनल म्यूज़िक, तो मैं वहाँ गई थी। तो चलिए आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ। इसके बाद मैं एस्कॉन टेम्पल भी गई थी, और एस्कॉन टेम्पल का भी क्राउड बहुत ज़्यादा था, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, वहाँ भी ले चलूँगी। लेकिन पहले यहाँ पे तो दो तीन जगह हम गए थे एक्चुअली रात में, एक एस्कॉन टेम्पल गए थे, एक यहाँ आए थे और एक सोसाइटी में गए थे। तो अलग अलग तरह की हमने सेटअप्स देखे, अलग अलग तरह के सेलिब्रेशन देखे, लोगों को बहुत इन्जॉय करते हुए देखा, तो दिल को बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे बच्चों का एक पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है जिसमें कि सारे बच्चे देखे कितनी मेहनत से लगे हुए हैं, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं कोई बलून्स के साथ, तो इट वॉज़ रियली ब्यूटिफुल टू सी दैम। और कुछ बच्चों ने तो वाकई में इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई थी कि मैं तो देख के हैरान रह गई कि इतने छोटे छोटे बच्चे और कितने टैलेंटेड हैं, कितना मन लगा के कर रहे हैं, कितने पेशेंस के साथ कर रहे हैं। और कुछ बच्चे तो टोटली अपनी मस्ती में थे, वो देख के भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर पेंटिंग्स का सिलेक्शन हो रहा था, चेक किया जा रहा था जिन जिन की कंप्लीट हो गई थी, किस किस ने कैसी बनाई है, किसकी अच्छी है, किसको प्राइज़ मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो प्राइज़ मिलने से भी ज़्यादा सबसे अच्छा ये था कि इन बच्चों ने वो चीज़ करी। और ये कान्हा जी की यहाँ पे छोटा सा एक झूला बनाया था, बहुत ही सुंदर झूला, इनको आके लोग झूला झूला रहे थे। यहाँ पे भी तैयारी चल रही थी इस वक्त, 100% तैयारी नहीं हुई थी, लेकिन ये देखिए छोटी सी मूर्ति है और कितनी क्यूट मूर्ति है, कितने प्यारे लग रहे हैं इसमें कान्हा जी। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इस तरह के समारोह में, इस तरह की सेलिब्रेशन में ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, तभी उनको पता चलता है कि हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस कौन है, सनातन धर्म के बारे में पता चलता है। और हम जब छोटे होते थे तो जन्माष्टमी में हम खुद ही अपने घरों के आगे छोटी छोटी मूर्तियां लगाते थे, झांकियां बनाते थे, जिसे देखने पूरे कॉलोनी के लोग एक एक बच्चे की झांकी देखने आते थे, उनको डोनेशन देते थे, उनको प्रेज़ करते थे, उनको सराहना देते थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। और ये देखिए यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा वाले भी आए हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले किया था। एक्चुअली मैं आपको आगे जाके इनके कुछ भजन भी दिखाऊँगी। दोस्तों कुछ आंटीज़ ने मुझे वहाँ पे धक्का दे दिया था डांस करने के लिए, लेकिन बड़ा मज़ा आता है ऐसे कीर्तन में डांस करने में। क्या आप भी करते हैं ऐसे कीर्तन में डांस? अगर करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ये मटका बजाने वाले अंकल यहाँ की हाईलाइट लगे मुझे। I'm
यहाँ से फिर मैं निकल गई थी और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हमने डिसाइड किया कि हम इस्कॉन टेम्पल जाएंगे पहले, लेकिन मैंने कुछ ये फ़ोटोग्राफ्स खींची थी वहाँ पे और इन बच्चों की पेंटिंग्स तो बहुत ही क्यूट थी। और साथ में ये बच्चे जो ड्रेसअप होकर आते हैं कृष्णा जी बन के, कुछ ना कुछ बन के जो आते हैं वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लगते हैं। फिर यहाँ से जब हम निकले तो इस्कॉन टेम्पल पहुँच के तो मैं हैरान ही रह गई, क्योंकि इतनी भीड़ थी वहाँ पर, इतनी भीड़ कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। बहुत भीड़ थी, पूरी सड़कों में बैरिगेड्स लगा रखे थे और बहुत लंबा चल के जाना था। जो मेन रोड था वहीं से वॉकिंग स्टार्ट हो गई थी। ये वाला टेंपल हमारे एक और घर के बहुत पास है तो हम वहीं से निकल गए थे। अच्छा लग रहा है ना उनके साथ चलने के लिए। जगह जगह पे बांसुरी वाले थे और कुछ टॉयज़ वाले थे, तो एक बहुत ही अच्छी सी वातावरण में आवाज़ थी। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स मेरे फेवरेट हैं। एक तबला उसमें से फेवरेट है मेरा, मुझे बहुत पसंद है तबला सुनना। और बांसुरी, बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहीं भी प्ले कर दो, कोई भी बजाता है तो एक कामनेस सी आ जाती है एटमॉस्फेयर में। ये देखिए पूरा डेकोरेट किया हुआ है इस्कॉन टेम्पल को और कितने सारे लोग हैं। और ये देखिए मैंने वहाँ पे ये तिलक भी लगवाया था, लेकिन वहाँ पे इतनी गर्मी थी, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी गर्मी थी, इतने पसीने बह रहे थे कि मेरा जो तिलक था वो बहने ही लग गया। और जब हमारी एंट्री हो रही थी दरवाजे से, उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों ने पीछे से धक्का दे दिया था, लोगों में पेशेंस नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे उस वक्त। मुझे तो कुछ पलों के लिए थोड़ा सा फियर भी फील हुआ था, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि मॉब्स एकदम से धक्के मार देते हैं और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं उसमें। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ थैंकफुली, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ थी। और दर्शन करने के लिए ऐसा नहीं था कि आप खड़े होके भी दर्शन कर सकते हो, आपको बस धीरे धीरे चलते 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 आगे तक जाना होता है। थोड़ा बहुत अगर स्पेस मिल गया तो थोड़ी देर के लिए, आप देख सकते कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं। और हर कोई कोशिश कर रहा था कि कुछ वीडियोस बना लें, कुछ फ़ोटोज़ खींच लें। फिर मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पे आके खिड़की के पास मैं खड़ी हो गई थी और मैं वहाँ से देख रही थी अंदर का नज़ारा। कुछ वॉलंटियर्स यहाँ भी बैठे हुए थे, बातें बातें कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। और एक वातावरण में एक एनर्जी थी, अलग सी डिवाइन एनर्जी थी। उस डिवाइन एनर्जी में सभी झूम रहे थे, सभी खुश थे। तो दोस्तों ये जो माहौल है ये बहुत ज़रूरी है, और मैं तो चाहती हूँ कि सनातन धर्म और आगे बढ़े। भारत जैसे पहले एक विश्वगुरु था वैसे फिर से विश्वगुरु बने। घर घर में गीता का अभ्यास होए, रामायण महाभारत पढ़ी जाए, उपनिषद पढ़े जाएं और पुराणों के बारे में पढ़ा जाए, स्टोरीज पढ़ी जाएं। हमारा ये डिसीजन हुआ कि 12 बजे तक हम वहाँ नहीं रुकेंगे और हम अलग अलग जगह पे उसके बाद डिस्पर्स हो गए। मैं वापस आ गई जहाँ मैं पहले थी, लेकिन जाने से पहले हमने केक्स देखे, इतने बड़े बड़े केक्स वहाँ से जा रहे थे। और उसके बाद बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो वहाँ पे तैनात किए गए थे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे पुलिस वाले वहाँ पे और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए थे, क्योंकि सबको ही पता होता है कि 12 बजे तक इतनी भीड़ बढ़ जाती है लोगों की। अभी 12 बजने में कुछ ही समय था, वैसे आधा घंटा ही था, तो आधे घंटे में आप देखिए सड़क पे कितनी चहल पहल है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात का समय था, कोई और ही दुनिया में, किसी और ही वर्ल्ड में चले गए थे हम लोग। और लेट नाइट भी बिल्कुल हर जगह पे लोग ही लोग थे, हर जगह पे डांस चल रहा था, म्यूज़िक चल रहा था, गाड़ियाँ चल रही थी। ये जो हमारे सनातन धर्म के त्यौहार हैं ना, इनमें जब भी रातों को कभी, बहुत कम ऐसे त्यौहार हैं जिनमें रातों को सेलिब्रेशन होता है, और अगर होता भी तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है बहुत वैलिड, तो कितना अच्छा माहौल बन जाता है। विज़ा वी अगर आप देखिए न्यू ईयर्स या फिर
ऐसे जैसे हैलोवीन हो गए, मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उनके फेस्टिवल्स रातों में कितने डरावने से हो जाते हैं। हर जगह पे लोग ड्रिंक करके घूम रहे होते हैं और यहाँ पे बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है, लोग बहुत ही अच्छे फॉर्म में आ जाते हैं। तो अब मैं यहाँ वापस आ चुकी हूँ और हम लोग थोड़ा इधर उधर का काम भी कर रहे थे, थोड़ा बहुत मैनेज भी कर रहे थे, थोड़ा खड़े होकर देख रहे थे और बहुत ही अच्छा म्यूज़िकल परफॉर्मेंस शुरू हो गया था। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रात को इकट्ठे हो गए थे और लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा था। लोगों का उत्साह देख के और अच्छा लग रहा था और मज़ा आ रहा था। हर तरफ भक्ति की वाइब्स थी, डिवोशन था, लोगों के मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा का भाव था। कान्हा के लिए, श्री कृष्ण के लिए लोगों का प्यार दिख रहा था जो हर तरफ फैला हुआ था। अब कुछ मोमेंट्स हैं रात के समय के जो मैं इस वीडियो में, इस व्लॉग के द्वारा आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। लोगों को इन्जॉय करते हुए देख के, लोगों का उत्साह देख के मेरा भी मन सारी पॉजिटिव तरंगों से भर गया और बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि हम सब एक अलग ही डायमेंशन में जा चुके हैं, हम सब एक अलग ही वर्ल्ड में जा चुके हैं। Oh,
आरती होगी, आरती बारी बारी बहुत प्यार से सभी कर सकते तो दोस्तों, यहाँ पे आरती के साथ इस समारोह का, इस सेलिब्रेशन का समापन हुआ और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। और ये देखिए, जो सड़कें पूरी भरी हुई थी लोगों से, अचानक से सुनसान हो गई, खाली हो गई। जब लोग मिलजुल के ऐसे समारोह ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ कोई VIP सेक्शंस नहीं होते, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब अपने प्रेम से आते हैं और प्रेम पूर्वक बैठते हैं, साथ में भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और उसको याद करते हैं जिसने इस संसार को रचा है। जिस दुनिया से हम आए हैं उसी दुनिया में हमें जाना है, लेकिन सब कुछ तो कहते हैं यहीं पर है, स्वर्ग भी नर्क भी। हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।